नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो फैक्ट्रियों में या फिर निर्माण के क्षेत्र में मजदूर के तौर पर काम करता है। इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो घरेलू स्तर पर छोटे मोटे काम करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो खुद का कोई बिजनेस भी चलाते हैं। ऐसे कामों में रोजगार की कोई शर्तें नहीं होती, वेतन भी दिन के हिसाब से मिल जाते हैं, साथ ही साथ सरकार के भी कोई कड़े नियम कायदे लागू नहीं होते, इसलिए ये क्षेत्र असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ केवल इसलिए भी नहीं मिल पाता था क्योंकि सरकार के पास इनका कोई सही आंकड़ा या फिर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन असंगठित कामगारों के हित के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त महीने में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। इस पोर्टल को लॉन्च ही इसलिए किया गया ताकि श्रमिक लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रोजगार की समस्या भी दूर हो जाएगी। ऐसे में अगर आपने भी अब तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा ले, क्योंकि इसके बहुत से फायदे मिलने वाले हैं। अब आप भी जानना चाहेंगे कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, तो हम आपको फायदे भी बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि आप इसे किस तरह से बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ई श्रम पोर्टल अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया, जिसका खास मकसद भवन निर्माण से जुड़े मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी लगाने वाले और घर से काम करने वाले वैसे मजदूर जो ESIC या फिर EPFO के सदस्य नहीं हैं और टैक्स नहीं भरते हैं, उन सभी की जानकारी को जुटाना है ताकि सरकार की योजनाएं या फिर रोजगार आदि का लाभ भविष्य में उन्हें मिल सके। जो लोग इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करते हैं उनको एक श्रम कार्ड मिलता है। यह श्रम कार्ड आधार की तरह ही एक कार्ड है जिसमें 12 डिजिट का एक UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहेगा। यह कार्ड भारत में हर जगह वैध रहेगा और एक बार बनाने पर इसकी वैल्यू जीवन भर रहने वाली है, यानी इसे बार बार नहीं बनवाना पड़ेगा। ई श्रम कार्ड के अनेकों फायदे हैं। इसे बनवाने पर सरकार और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बीच की दूरी खत्म होगी। सरकार के पास भी ऐसे मजदूरों की सभी जरूरी जानकारी रहेगी, जिससे आपदा या फिर विपरीत घड़ी में सरकार सीधे ऐसे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में राशि भेज सकती है। इतना ही नहीं, कार्ड बनवाने के बाद कई तरह का बीमा कवर, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके मजदूर को दुर्घटना बीमा के रूप में 2 लाख तक रुपए भी मिलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसे बनाने का प्रोसेस, ताकि आप भी खुद को रजिस्टर्ड कर सके। सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की, तो असंगठित क्षेत्र से जुड़े 16 से 59 साल की उम्र का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकते हैं या फिर इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं है तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर करवा सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। बात करें जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके लिए केवल आधार नंबर, आधार और बैंक से लिंक्ड मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। अब कम शब्दों में हम आपको 4 जरूरी स्टेप्स में खुद को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप ई श्रम के आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in पर लॉग इन करें। इसके बाद होम पेज पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कर लें। इसके बाद आधार से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर को डालें और कैप्चा कोड डालें, साथ ही आधार नंबर भी डालना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP पाने के लिए सेंड OTP पर क्लिक करें। OTP डालते ही आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपसे आपका नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल आदि पूछे जाएंगे। उसे सही सही भर लें और जरूरी दस्तावेज डालकर फॉर्म को सबमिट कर लें। इसके बाद आप ई श्रम पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चाहे तो एक प्रूफ के लिए फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो यह थी ई श्रम कार्ड से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने भी अब तक नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा ले। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14434 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।